दिव्य तेजमयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः जय हनुमान केसरी नंदन तिहु जग वंदन अंजनि सुत बलधारी संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी जय हनुमान जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान जय हनुमान संकट उसके निकट नावे ले जो शरण तुम्हारी संकट उसके निकट नावे ले जो शरण तुम्हारी संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी जय हनुमान जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान जय हनुमान आप तो शिक्षा प्राप्त करने जा रहे हैं परंतु मुझे तो आश्रम में रहना होगा पिताश्री मैं तुम जैसे बालक का गुरुदेव नहीं हो सकता कदापि नहीं हो सकता मैं कभी ऐसी भूल फिर से नहीं करूंगा गुरुदेव अगर भूल की तो मुझे दंड दे दीजिएगा दुष्ट वानर मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगा एक एक वानर को मार डालेंगे तुम वानरों का अंत करोगे क्या हुआ गुरुदेव वरुण अनहोनी टल गई अनहोनी टल गई पर हुआ क्या गुरुदेव अभी पता चल जाएगा हनुमान हनुमान प्रणाम गुरुदेव क्षमा कीजिए आपकी नींद में बाधा पड़ गई वो कौन थे वो गुफा में रहते हैं गुरुदेव प्राचीन गुफा में मैंने उनसे शांत रहने का निवेदन किया था पर वो चिल्लाते ही जा रहे थे इसलिए आपकी नींद खुल गई गुरुदेव यहाँ क्यों आए थे आपकी कुटी में जाना चाहते थे गुरुदेव मैंने रोक दिया प्राचीन गुफा किंतु गुरुदेव प्राचीन गुफा में तो धुंध बुद्धि और मायावी रहते हैं हाँ वही थे उनका उत्पात दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है वो पूरे किष्किंधा और सुमेरु पर अधिकार करना चाहते हैं पर आज मुझे विश्वास हो गया कि हनुमान जैसे महावीर जहां हैं वहां राक्षसों का राज कदापि नहीं हो सकता मैंने केवल उन्हें रोकने का प्रयास किया गुरुदेव हनुमान तुमने जो किया उसे बताने की आवश्यकता नहीं है अब तुम यही विद्या अध्ययन करो हनुमान रात्रि अभी शेष है जाओ अपनी कुटिया में विश्राम करो प्रणाम गुरुदेव वरुण जी गुरुदेव तुम लोग भी अपनी अपनी कुटिया में जाओ विश्राम करो जी गुरुदेव पायाय पृथियम पयो औषधीषु पाय दिव्यम अंतरिक्षे ओम शुद्धा वला सर्वशुद्ध वालो मनीवालास्त असविनाह सेता सेताक्षो अरुनस्ते रुद्रे पशुपतेय कर्णयामा अवलिप्ता रुद्रनाभो रूपः परिजनाय यज्ञोपवीतं प्रमामं पवित्रं प्रजापत्रेयं सहाजं पुरुषाद अयुशुभ्रग्रामं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमास्तु शुभ्रम् वरुण
हनुमान को जनेऊ पहनाओ। और रुद्राक्ष की माला भी पहनाओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज से केसरी नंदन अंजनी पुत्र हनुमान हमारे शिष्य हुए। आश्रम के नियमों के अनुसार यहां रहते हुए हनुमान शिक्षा ग्रहण करेंगे। आश्रम की व्यवस्था भंग करने पर अन्य शिष्यों की ही भांति हनुमान को भी दंड दिया जाएगा। कोई विशेष स्थिति में आश्रम के वरिष्ठ शिष्य हनुमान की सहायता करेंगे। आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव, सदा सुखी रहो पुत्र। माते आप संकट मोचन जय हनुमान। प्रिय भक्तों, हनुमान चालीसा में कहा गया है, हाथ वज्र ओध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजग बंदन। हनुमान जी का ये विशेष स्वरूप बड़ा ही गौरवशाली है। ये रूप उन्होंने सदैव अपनाए रखा और इसी स्वरूप में वो श्री राम के परम सहायक हुए। महावीर भैया, हनुमान जी के हाथ में वज्र कहाँ है और ध्वज भी नहीं है पंडित जी? ये बड़े ही रहस्य की बात है भक्त। ध्वज का सांकेतिक अर्थ है, ध्वज धर्म का प्रतीक है, जो हनुमान को उनके संस्कारों से मिला था, देवताओं से मिला था, जिसे वो सदा धारण किए रहे। उसी तरह वज्र का अर्थ है कठोर, और उनकी गदा से कठोर क्या हो सकता है? ये उनके वज्र का ही प्रभाव था कि उन्होंने महर्षि वाचक के आश्रम की रक्षा की और महर्षि वाचक के शिष्य बने। फिर क्या हुआ पंडित जी? हनुमान जी को विधि से अपना शिष्य बनाने के बाद महाराज केसरी और माते अंजनी आश्रम से विदा हो गई। ऋषिवर, हम आपके
बहुत आभारी हैं कि आपने हनुमान को शिष्य बनाकर हम पे बहुत बड़ा उपकार किया है। हमें पूर्ण विश्वास है ऋषिवर कि हनुमान यहाँ शिक्षा पाकर एक योग्य और एक कुशल शिष्य बनेगा। अब आप हनुमान की चिंता छोड़ दें राजन, हनुमान अब मेरा दायित्व है। यदि इसने विधि पूर्वक शिक्षा ग्रहण की तो संसार में इसके ज्ञान की समानता कोई नहीं कर सकेगा। हम धन्य हुए ऋषिवर, अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। ठीक है, हम हनुमान के विषय में समय समय पर सूचनाएं देते रहेंगे। माते आप कुछ पूछना चाहते हो पुत्र? आप मुझे छोड़ के चली जाएंगी माँ? पुत्र, आश्रम के जीवन में माता पिता साथ नहीं रहते। आज से ऋषिवरि तुम्हारे माता पिता हैं। पुत्र, तुम्हें यहाँ कोई कष्ट नहीं होगा। पर आप तो नहीं रहेंगे पिताश्री। शिष्यो, अब तुम लोग भी जाओ। वरुण, तुम हनुमान को साथ लेके जाओ। जैसी आज्ञा गुरुदेव। हनुमान, आओ हनुमान, आओ। संकट मोचन जय हनुमान। मैंने कभी माता श्री के बिना खाना नहीं खाया है। संकट मोचन जय हनुमान। रेन रिप बालक काल बस बोलत तोहि न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार, सियावर राम चंद्र शंकर जी। प्रणाम गुरुदेव। क्या हुआ वरुण? गुरुदेव, हनुमान ने अभी तक कुछ नहीं खाया है। कुछ खाया नहीं? क्या हुआ उसे? वो बहुत उदास है गुरुदेव। लगता है यहां उसका मन नहीं लग रहा है।
पहली बार माता पिता से दूर आया है। उसे समझाओ, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हमने उसे बहुत समझाया गुरुदेव, किंतु किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। पर बिना खाए पी वो कैसे रह पाएगा? ठीक है, तुम जाओ, मैं आता हूं। जैसी आज्ञा गुरुदेव। प्रणाम। खाओ हनुमान, खाओ। मैंने तो सुना है कि फल तुम्हें बहुत ही प्रिय है, फिर यहां आकर क्या हो गया तुम्हें? अरे खाओ का भूखे वजन कैसा होगा भला। हनुमान, हम सब भी कभी पहली बार ही घर से बाहर आए थे और माता पिता की याद किसे नहीं आती। मैंने कभी माता श्री के बिना खाना नहीं खाया है। यज्ञ शिष्टा सिना संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय पुंजते ते त्वधम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात् यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम् अहम् वैश्वा नरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनां वधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। क्या हनुमान महल में रहकर शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते? संकट मोचन जय हनुमान। नहीं स्वामी, हनुमान के बिना खाने की तनिक भी इच्छा नहीं हो रही। खाने की इच्छा तो मेरी भी नहीं हो रही है अंजनी, पर इस प्रकार हम कब तक रह सकते हैं? एक न एक दिन तो हनुमान को शिक्षा के लिए आश्रम जाना ही था, और अब तो अंजनी ये भली बात ही जानती है कि हनुमान की शिक्षा के लिए
स्वयं भोलेनाथ ने इसका आदेश दिया था। मैं जानती हूँ स्वामी, मैं जानती हूँ, किंतु अपने मन को कैसे समझाऊं? बार बार मुझे लगता है कि अभी हनुमान आएगा, मेरा आंचल खींचेगा और मुझे कहेगा माँ मुझे खाना दो। अंजनी, अपने आप को इतना दुर्बल क्यों बना रही है अंजनी? ये मेरी दुर्बलता नहीं है भ्राता, कैसे बताऊं भ्राता कि मैं अपने माता श्री से दूर कभी रहा ही नहीं। किंतु हनुमान, अब तुम उनसे दूर हो और तुम्हें यह समझना चाहिए कि तुम एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति हेतु यहाँ आए हो। स्वामी, क्या हनुमान महल में रहकर शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते? क्या ऋषिवर महल में आकर उन्हें शिक्षा नहीं दे सकते? आश्रम जीवन के महत्व को कैसे नकारा जा सकता है अंजनी? हनुमान, आश्रम में रहकर तुम वो सब कुछ सीख सकोगे जो महल में रहकर नहीं सीख सकोगे। हाँ हनुमान, हमारे पूर्वजों ने बहुत सोच समझकर जीवन के चार आश्रमों की रचना की। तुम ब्रह्मचर्य आश्रम में हो। इसी आश्रम में जीवन की तैयारी होती है, यहीं से पूरे जीवन की पृष्ठभूमि तैयार होती है। हनुमान, माया मोह त्यागना होगा। हनुमान, चिंता त्यागो, फल ग्रहण करो। हनुमान जय हनुमान, असुर निकंदन जय हनुमान। Day.